तो अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक शहर मेहरौली में, और मेहरौली बस टर्मिनल के पास आपको मिल जाएगा ये मोन्यूमेंट जो कि आदम खान का मकबरा है। आदम खान जो अकबर का मुंह बोला भाई था, बावजूद इसके अकबर ने खुद अपने भाई को मौत का सजा सुनाया था। तो आखिरकार बादशाह अकबर ने ऐसा क्यों किया, जानेंगे इसकी वजह, और मैं आपको लेके चलता हूँ इस मोन्यूमेंट में और जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों ये है मेन मकबरे का गेट जो कि इसमें ताला लगा हुआ है। इसमें कुल 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों लॉक कर दिया गया है एएसआई के द्वारा, बट हम कोशिश करेंगे आपको इसके अंदर के नज़ारे भी दिखाने के लिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है आदम खान का मकबरा। तो आप लोगों के लिए मैंने ये गेट को ओपन करवा लिया है और अंदर का ये सीन मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये है इसके ऊपर का सीन, जो इसके मेहराबे आप देख सकते हो, ऊपर छोटे छोटे मेहराबे हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर का स्ट्रक्चर, ये है इसके अंदर का स्ट्रक्चर और ये है इसके गुंबद का नज़ारा जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो मकबरा है ये अष्टभुजाकार में बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक भुजे में 3 दरवाजे, यानी कि इसमें टोटल 24 दरवाजे हैं। तो वैसे तो ये मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अष्टभुजाकार के जो भी मकबरे बनाए जाते थे वो लोधी शासन में बनाए जाते थे, लेकिन इसको अष्टभुजा बनाने का क्या कारण था, इसके पीछे भी वजह है, चलिए जानते हैं। पिता हुमायूं के मौत के बाद बादशाह अकबर सिर्फ 13 साल के उम्र में मुगल शासन का बादशाह बन गए थे। बादशाह की दाई माँ थी महमंगा, महमंगा का ही छोटा बेटा था आदम खान, जिसका मकबरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए अकबर ने आदम खान को अपना सैनिकों का सिपा सलार नियुक्त किया था, और उस दरमियान जो अकबर के प्रधानमंत्री थे वो थे अकदा खान। तो अकदा खान के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहना आदम खान को रास नहीं आया। आदम खान ने धीरे धीरे अकदा खान से दुश्मनी बोल लिया और मौका पाते ही अकदा खान का हत्या कर दिया। ये बात सुनकर बादशाह अकबर खासा नाराज हुए, क्योंकि अकदा खान बादशाह अकबर के पिता हुमायूं के बहुत करीब थे और बादशाह अकबर के भी बहुत करीब थे। इसीलिए बादशाह अकबर ने हुक्म दिया आदम खान को आगरा के लाल किले से फेंक कर उन्हें सजाए मौत दिया जाए, वो भी सर के बल। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, बादशाह अकबर का यह आदेश माना गया उनको सैनिकों द्वारा, और आदम खान को आगरा के लाल किले के दीवार से उनको सर के बल फेंक दिया गया, जिससे आदम खान की मौत हो जाती है। और आदम खान के मरने के बाद अकबर ने ये मकबरा बनवाया जो आप अष्टभुजाकार देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अष्टभुजाकार अक्सर लोधी काल के शासनों में बना हुआ मकबरा और मोन्यूमेंट में हुआ करता है। इस मकबरे को अष्टभुजाकार बनाने का मकसद था अकबर का, कि उनको ये जाहिर करना था कि जो आदम खान था वो गद्दार था। आदम खान के मरने के बाद आदम खान की जो माँ थी वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, महमंगा। उनकी भी मृत्यु आदम खान के मरने के 40 दिन बाद हो गई और उनको भी इसी मकबरे में उनके पास ही दफनाया गया।